हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, यही देखने की कोशिश करेंगे। मैं जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूअर्स, आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में भी है ना, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कि अभी तक जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं रिबर्थ, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड इल्यूजन, मोमेंट टू मोमेंट, साइलेंस, द ड्रीम एंड लास्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी। ओके व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे रिसेप्टिविटी के ही कार्ड से। ऐसा लगता है इस पर्सन के जीवन में ना, पहले जो कुछ भी था अब ये काफ़ी कुछ बदल चुके हैं अपने जीवन में। काफ़ी सारा ऐसा कुछ था इनकी लाइफ में जो ये बदलना चाहते थे, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बट ये बदल नहीं पा रहे थे अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को। और ऐसा बहुत कुछ है इनकी लाइफ में जो ये बदलना चाहते हैं और ये ना वक्त के साथ चलना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि वक्त के साथ चलने में ही इंसान तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और सक्सेस पा सकता है। इस पर्सन की लाइफ में ना आपकी जो वैल्यू है ना, इस पर्सन को आज महसूस हो रही थी। ये पर्सन किसी ना ओल्ड पर्सन से बातें कर रहे थे, या तो इनकी दादी, नानी, कोई भी आंटी वगैरह, कोई ओल्ड पर्सन है इनकी लाइफ में जिससे ये बातें कर रहे थे। कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है वो पर्सन, बट हाँ ओल्ड पर्सन है जिससे ये आशाम आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कि इन्हें ना लगातार ही कुछ दिन से सपने आ रहे हैं आपके, ये आपको देखते हैं अपने सपनों में और उनका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये उस पर्सन से ना इस ड्रीम का मीनिंग ही जानना चाहते थे कि आखिर क्यों बार बार इन्हें एक ही सपना आ रहा है और उस सपने में आप मौजूद रहते हैं। जब कभी भी ये शांत माइंड के साथ आपके बारे में सोचते हैं या आप इनके करीब भी होते हैं ना, तब इनको ना एक ऐसा सुकून सा महसूस होता है आपके साथ रहने में, आपको याद करने में। और आपके जब सपने इनको आते हैं ना, तो ये आपको अपने से दूर जाता हुआ देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको खो देंगे। इस पर्सन के दिल में ये डर आता जा रहा है और ये पर्सन ना आज आपके बारे में यही बातें कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें इनकी समझ नहीं आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, क्या आपके साथ में इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यही जानने की कोशिश कर रहे थे। इनके दिल में, दिमाग में उत्सुकता सी चल रही है और ये पर्सन ना इन दिनों ना काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। जैसे कि ये ना पहले ना काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे, आपको इग्नोर करते थे, बट इन दिनों ना ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, जो भी है ना, तो ये आपके ज़्यादा करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी नज़रों के सामने रहें और आप इन्हें दिखती रहें। जब कभी भी आप इनकी आँखों से ओझल होती हैं ना, इनके दिल पर घबराहट सी होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। ये पर्सन इन दिनों काफ़ी बेचैनी महसूस कर पा रहे हैं। और अगर आप दोनों सेपरेट हैं, आप दोनों की बात नहीं होती है, दोनों दूर है ना, तो ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी फिक्रमंद रह रहे हैं। इस पर्सन को आपकी काफ़ी फिक्र सताती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ तो दिया है बट आपकी यादें इसका पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं। ये पर्सन, इनकी कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन ने ना आपके साथ तीन तरह की लाइफ जी है। एक वो जो ये पर्सन ना आप पे गुस्सा किया करते थे, एक वो जब ये अब काफ़ी शांत हो गए हैं और शांत होते ही चले जा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं, एक नए रूप में ये खुद को देख पा रहे हैं। आपके प्यार ने, आपकी यादों ने इन्हें चेंज कर दिया है, इन्हें खुद ये चेंज अपने अंदर महसूस हो रहा है। जैसे कि ये पर्सन पहले ज़्यादातर चीज़ों को इग्नोर करते थे, लेट गो करते थे, जाने देते थे, ये कहते थे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो अब इस पर्सन में ना काफ़ी जागरूकता आती जा रही है। ये ना डीपली किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हैं। इनके दिल दिमाग में एक बात चलती रहती है ना, वो निकलती नहीं है ईजिली। और आज शाम ये पर्सन ये भी कह रहे थे आपके बारे में कि आपकी इनको इन दिनों बहुत फिक्र रहती है, आपकी फिक्र इन्हें सताती रहती है, इनके दिल दिमाग में आप चलते ही रहते हैं, आपकी यादें, आपकी बातें इनके दिल दिमाग में चलती रहती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।